वन पीस के अंदर आज तक का सबसे ज्यादा ब्रोकन डेविल फ्रूट हमको देखने को मिला है, वो है बोनी का डेविल फ्रूट। आज तक हमको ऐसा लग रहा था कि बोनी का डेविल फ्रूट बस एज को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन वन पीस के रिसेंट चैप्टर के अंदर हमको इस वाले डेविल फ्रूट की ट्रू पावर्स के बारे में पता चला, जो कि एक तरीके से फ्यूचर को मैनिपुलेट कर सकता है। तो वो कैसे, क्योंकि आज तक हमको तोशितोशी नोमी के बारे में एक ही चीज पता थी कि उसका जो यूजर है वो दूसरों की ओर अपने आप की एज कम ज्यादा कर सकता है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमको उसके रियल पावर्स के बारे में पता चला, जो कि सिमिलर लुफी की पावर्स जैसे लुफी अपनी इमेजिनेशन की पावर्स का यूज करके गियर 5 के अंदर कुछ भी चीजें कर सकता है, वैसे ही सिमिलर कुछ चीजें बोनी अपनी ड्यूल फ्रूट की पावर्स का यूज करके कर सकती है। इस वाले चैप्टर के अंदर कुमार ने बोनी को बताया था कि लुफी की पावर्स वर्क कैसे करती है। कुमार ने बोनी को बताया था कि लुफी जो है वो एक रबर मैन है और वो अपनी रबर बॉडी का यूज करके जैसे चाहे वैसे फाइट कर सकता है। लुफी के बारे में इतनी सी बात जान के बोनी ने उसके अटैक को पूरा का पूरा कॉपी कर लिया था, या हम बोल सकते कि उसने ऐसा फ्यूचर बना दिया जहाँ पर वो खुद गॉड निका है। लुफी के पावर्स को बस एक बार इमेजिन करने के बाद में उसने लुफी के गियर 3 को यूज कर लिया था, या हम बोल सकते कि उसने ऐसा फ्यूचर बना दिया था कि जहाँ पर वो खुद एक गॉड निका है और बोनी ने उस वाले टाइमलाइन से खुद की पावर्स को बोरो कर लिया था, काइंड जहाँ पर वो गॉड निका थे जिसके पास में लुफी की पावर्स थी। यहाँ पर एक टाइप से देखा जाए तो वन पीस के वर्ल्ड के अंदर भी अल्टरनेटिव रियलिटी हो सकती है, क्योंकि बोनी के डेविल फ्रूट की पावर्स ऐसी वर्क करते हुए दिख रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि बोनी जिस भी बंदे को इमेजिन करेगी वो उसकी पावर्स को यूज कर पा रही हो। चैप्टर के अंदर बोनी ने जब इस वाले अटैक को यूज करा था तब उसके पीछे गवर्नमेंट की एक एजेंट लगी थी जिसका नाम था अल्फा, क्योंकि दूसरी साइड में कुमा की सर्जरी चल रही थी और इधर यहाँ पर बोनी का ध्यान रखने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट की एक सीक्रेट एजेंट जिसका नाम अल्फा है वो एक नर्स बन के बोनी और कुमा के बीच का कनेक्शन काट रही थी, क्योंकि कुमा अपनी सर्जरी के लिए रेडी हो रहा था और वो बोनी को लेटर्स भेजता था, लेकिन ये जो एजेंट थी वो सारे लेटर्स को बोनी के पास में पहुंचने नहीं देती थी। और बोनी के 10 साल के होने के बाद में उसको पता चलता है कि उसकी जो नर्स है वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की सीक्रेट एजेंट है, और तब तक बोनी का डिसीज 100% क्यूर हो चुका था, इसलिए वो वहां से निकलने का प्लान बनाती है। तब उसको अपने डेविल फ्रूट की पावर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसको ये पता था कि कुमा ने उसको एक बार बताया था कि लुफी की पावर्स वर्क कैसे करती है, इसलिए उसने लुफी के पावर्स को इमेजिन करके एक अटैक क्रिएट करा जिसका नाम था डिस्टॉर्शन फ्यूचर, जिसकी मदद से वो लुफी के गियर 3 को यूज करके उस वाले एजेंट को हरा देती है। और ये जो चीज है वो फ्लैशबैक के अंदर हुई है, इसलिए मे बी बोनी अभी इस वाले अटैक को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर पाएगी। एक तो वो खुद की अल्टरनेटिव रियलिटी से खुद की पावर्स को बोरो करेगी या किसी को भी इमेजिन करके उसकी पावर्स को या उसके एक अटैक को यूज कर पाएगी। प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि वो किसी भी एक ही बंदे की पावर्स को एक ही टाइम पे यूज कर पाएगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई उसकी पावर्स तो कुछ ज्यादा ही ब्रोकन हो सकती है। ये सोचो कि उसने लुफी के गियर 5 को पूरी तरीके से अडैप्ट कर लिया और वो भी गियर 5 के अंदर ट्रांसफर होकर लुफी के साइड टू साइड लड़ रही है, तो ये देखने के लिए तो काफी ज्यादा कूल लगेगा, लेकिन उसकी पावर्स तो कुछ ज्यादा ही अनस्टॉपेबल बन जाएगी। तो आप इस वाले डेविल फ्रूट की पावर्स के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।